कैसे हैं आप। केमिस्ट्री मेड इजी में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। ट्वेल्थ केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द सॉलिड स्टेट के टॉपिक वाइज डिस्कशन के क्रम में आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे क्रिस्टल लैटिसेस एंड यूनिट सेल्स। क्रिस्टल लैटिस, What is crystal lattice? हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, ना दीज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मे बी एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयन्स, उनका एक रेगुलर थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है। This regular three-dimensional arrangement of the constituent particles is called crystal lattice. क्रिस्टलाइन सॉलिड में कणों का जो विशिष्ट सजावट होता है, उस सजावट को हम लोग कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। हम लोग फलों के दुकान में जाते हैं तो फलों को दुकानदार सजा करके रखता है। कैसा सजा करके रखता है, उनका पैटर्न कैसा होता है, कभी आपने गौर किया है? यहां पर जो आपको ग्रीन ग्रीन बॉल्स मिल रहे हैं, आप फल मान करके समझिए। चलिए हम लोग इस अरेंजमेंट को छोड़कर एक और अरेंजमेंट देखते हैं। अब ये अरेंजमेंट टू डायमेंशनल अरेंजमेंट है, लेकिन सॉलिड तो टू डायमेंशनल नहीं होता है, सॉलिड थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है। सॉलिड में पार्टिकल्स अरेंज होते हैं थ्री डायमेंशनल फैशन में। अब ये को हम एक लेयर मान लेते हैं। अब ये लेयर के ऊपर में दूसरा लेयर बॉल का, तीसरा लेयर बॉल का, चौथा लेयर बॉल का, तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट आएगा। तो ये पूरा का पूरा क्रिस्टलाइन सॉलिड, उनके ये ग्रीन ग्रीन बॉल्स पार्टिकल्स और पूरा का पूरा सजावट का पैटर्न कहलाता है क्रिस्टल लैटिस। नाउ हाउ विल वी डिफाइन द टर्म क्रिस्टल लैटिस? अ रेगुलर थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। दिस पार्टिकल्स मे बी एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयन्स इन स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। ये एक टू डायमेंशनल अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का। ये पार्टिकल्स हैं, यहां पर हमने बॉल के रूप में रिप्रेजेंट किया है, लेकिन एक्चुअली ये पार्टिकल्स हैं। ये जो टू डायमेंशनल अरेंजमेंट है इसका हम लोग यूनिट ढूंढते हैं। ये किसका रिपीटेशन से पूरा का पूरा अरेंजमेंट तैयार हुआ है, तो आप जरा गौर फरमाएंगे। ये जो चार पार्टिकल्स हैं या बॉल्स हैं, बार बार आए हैं, तो पूरा का पूरा ये अरेंजमेंट तैयार हुआ है। अब ये टू डायमेंशनल है, ऐसे इसको हम लोग एक मान लेते हैं लेयर, इसके ऊपर दूसरा लेयर, उसके ऊपर तीसरा लेयर, चौथा लेयर करके एक थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट को हम लोग देखते हैं। उसका यूनिट क्या होगा? ये नीचे के चार बॉल और ऊपर के चार बॉल, मतलब टोटल एट बॉल्स। एट बॉल्स का एक यूनिट होगा कुछ ऐसा। ये आपके पार्टिकल्स हैं, चार नीचे वाले, चार ऊपर वाले, इनका रेगुलर रिपीटेशन से पूरा का पूरा क्रिस्टलाइन सॉलिड तैयार हुआ है।
ये सबसे छोटा इकाई द स्मॉलेस्ट थ्री डायमेंशनल यूनिट जिसके रिपीटेशन से पूरा का पूरा क्रिस्टलाइन सॉलिड तैयार होता है यह सबसे छोटा यूनिट कहलाता है यूनिट सेल। नाउ वी विल डिफाइन यूनिट सेल। अ यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट थ्री डायमेंशनल पोर्शन ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस का दूसरा नाम स्पेस लैटिस भी है विच कैन जनरेट द कंप्लीट क्रिस्टल व्हेन इट्स डायमेंशन इज रिपीटेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस। अगर वह यूनिट सेल को हम वन डायमेंशन टू डायमेंशन थ्री डायमेंशन में अरेंज करेंगे तो पूरा का पूरा क्रिस्टलाइन सॉलिड तैयार होगा। यूनिट सेल को डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं समझने की कोशिश करते हैं। ये ब्लैक वाले बॉल्स, यहां पर बॉल्स पार्टिकल्स हैं। ब्लैक वाले बॉल्स को नीचे वाला लेयर मान लेते हैं, ब्लू वाले बॉल्स को ऊपर वाले लेयर मान लेते हैं। अब ये बॉल को हम लोग एक पार्टिकल के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। नीचे चार ब्लैक बॉल्स, चार पार्टिकल्स, ऊपर ब्लू बॉल, चार पार्टिकल्स। अब चारों को मिला दीजिए, ब्लैक वाले पीछे वाले चारों को मिला दीजिए, तैयार हो गया आपका यूनिट सेल। यहां पर यूनिट सेल में पार्टिकल्स कहां पर है? कॉर्नर्स पे। फॉर कन्वीनियंस हम लोग पूरे बॉल को नहीं बनाते हैं, सिर्फ कॉर्नर्स में पार्टिकल को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। यूनिट सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स, प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल इज ऑल्सो नोन एज सिंपल यूनिट सेल एंड द नेक्स्ट इज सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल उन यूनिट सेल को कहते हैं जहां पर की कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यूनिट सेल के कॉर्नर्स में ही पाए जाते हैं। पार्टिकल्स कहां है? यूनिट सेल है, यूनिट सेल के कॉर्नर्स में, और कहीं नहीं पाए जाते, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर में। देन द यूनिट सेल इज कॉल्ड प्रिमिटिव यूनिट सेल और सिंपल यूनिट सेल। हाउएवर ऐसे भी यूनिट सेल्स हैं जहां पर कि पार्टिकल्स कोनों के अलावे, कॉर्नर्स के अलावे कहीं और भी उपस्थित होते हैं। तो वैसे यूनिट सेल जिनमें कि पार्टिकल्स कॉर्नर में तो पाए ही जा रहे हैं, कॉर्नर के अलावे यूनिट सेल में कहीं और पोजीशंस में भी पाए जा रहे हैं, तो वैसे यूनिट सेल्स को सेंटर्ड यूनिट सेल। अब सेंटर्ड यूनिट सेल में आठों कॉर्नर्स में तो पाए ही जा रहे हैं, कॉर्नर के अलावे कहां कहां पार्टिकल्स पाए जा रहे हैं, इस आधार पर सेंटर्ड यूनिट सेल तीन प्रकार के होते हैं, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। फर्स्ट इज बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि आठ कॉर्नर्स में तो पाए ही जाएंगे पार्टिकल्स, इसके अलावे एक पार्टिकल बॉडी के सेंटर में पाया जाएगा। एक कमरा हम ले लेते हैं, चार ऊपर कॉर्नर, चार नीचे कॉर्नर, तो चार ऊपर कॉर्नर्स में बॉल्स हैं, चार नीचे कॉर्नर में बॉल्स हैं और एक बॉल कमरे के बीच में। ऐसा सच ए यूनिट सेल इज कॉल्ड बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। सेकेंड इज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, आठ पार्टिकल्स कॉर्नर में तो हैं ही होंगे,
इसके अलावे हर फेस पर, फेस कितने होते हैं ध्यान दीजिएगा, एक क्यूब में फेस 6, कॉर्नर्स 8, एजेस 12, कॉर्नर 8, फेस एक ऊपर एक नीचे 4, एजेस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यहां पर 8 पार्टिकल्स कॉर्नर्स में तो होंगे ही होंगे, इसके अलावे एक एक पार्टिकल यूनिट सेल के प्रत्येक फेस में भी पाया जाएगा। यहां पर देखिए हम फिगर बना रहे हैं, ऊपर में एक पार्टिकल पाया जा रहा है, ये किनारे वाले में एक पार्टिकल है, नीचे वाले में एक पार्टिकल है, इधर किनारे वाले फेस में एक पार्टिकल है, पीछे वाले फेस में एक पार्टिकल है, और ये आगे वाले फेस में एक पार्टिकल। तो पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द सेंटर्स ऑफ each of the 6 faces of the unit cell, and the last is end-centered unit cell. End-centered unit cell में particles 8 corners में तो होंगे ही होंगे, इसके अलावे कोई दो विपरीत face, कोई दो opposite face के center में एक एक particle होंगे। वो face कोई भी दो ओपोजिट फेस के सेंटर हो सकते हैं, ये दो या ये दो। दोनों बातों को फिर से एक बार, क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल, द पार्टिकल्स आर अरेंज इन स्पेसिफिक फैशन, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस, एंड द स्मॉलेस्ट थ्री डायमेंशनल यूनिट इज कॉल्ड यूनिट सेल। एक यूनिट सेल को हम लोग उसके दो पैरामीटर्स से डिफाइन करते हैं। अब हमें आपको डिफाइन करना हो तो आप कैसे डिफाइन करते हो, मेरा हाइट क्या है, मेरा वेट क्या है, मेरा कलर क्या है, मेरा कॉम्प्लेक्शन क्या है, ठीक उसी तरह से एक यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए दो पैरामीटर्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट इज प्रिमिटिव्स, प्रिमिटिव्स मतलब साइड एजेस। मान लेते हैं यह एक यूनिट सेल है, ये आपके प्रिमिटिव्स हो गए, साइड एजेस, और इन एजेस के बीच का जो एंगल है, इन एंगल को कहते हैं इंटरफेसियल एंगल। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, एक्स एक्सिस तरफ का जो साइड एज का जो लेंथ होगा उसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, वाई एक्सिस तरफ जो साइड एज का लेंथ होगा वह बी है, और जेड सी। फर्दर द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज कॉल्ड गामा, एंड द एंगल बिटवीन बी एंड सी इज कॉल्ड अल्फा, एंड द इंटरफेसियल एंगल बिटवीन ए एंड सी इज कॉल्ड बीटा। थोड़ा कंफ्यूजन है, ये तो इजी है, एक्स वाई जेड उधर का प्रिमिटिव ए बी सी। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा हम लोग एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर जाते हैं, ये अल्फा यहां पर होना चाहिए था लेकिन अल्फा यहां हो गया, बीटा यहां, गामा यहां, आसान है। एक बार फिर से, द थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस, एंड द करस्पॉन्डिंग थ्री डायमेंशनल स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड यूनिट सेल। एक फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्रेवाइस ने पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बारे में बतलाया था कि 14 अलग अलग तरीके से पार्टिकल्स को अरेंज किया जा सकता है।
अब 14 डिफरेंट तरीके से पार्टिकल्स का अरेंजमेंट संभव है, तो उनके करस्पॉन्डिंग यूनिट सेल भी अलग अलग तरीके के होंगे। एक एग्जांपल लेकर के समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं यह टू डायमेंशनल अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का, तो इसके करस्पॉन्डिंग यूनिट सेल कैसा बनेगा? थ्री डायमेंशनल कुछ ऐसा बनेगा, क्योंकि हर बॉल का साइज सेम है, तो इनका लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, ए बी सी प्रिमिटिव्स इक्वल होंगे। अब चूंकि बॉल के ऊपर बॉल है, तो इंटरफेसियल एंगल भी 90 डिग्री होगा। यहां पर ऊपर वाले लेयर वाले बॉल का साइज बड़ा है, इसके करस्पॉन्डिंग जो यूनिट सेल बनेगा वो क्यूब ना होकर के क्यूबॉइड टाइप का होगा। उनका ए बी सी, ए और बी इक्वल हो सकता है लेकिन सी इक्वल नहीं हो सकता। नाउ बॉल्स का साइज आइडेंटिकल है, लेकिन फर्स्ट लेयर के बॉल दूसरे लेयर के बॉल कहां रखे हुए हैं? तो फर्स्ट लेयर के डिप्रेशन पर। इसके करस्पॉन्डिंग जो यूनिट सेल बनेगा, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ए बी सी प्रिमिटिव्स आइडेंटिकल तो होंगे, लेकिन उनका इंटरफेसियल एंगल 90 डिग्री नहीं होगा। ठीक इसी तरह से ब्रेवाइस ने 14 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट बताया है और उसके करस्पॉन्डिंग यूनिट सेल। अकॉर्डिंग टू ब्रेवाइस देयर आर 14 पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन क्रिस्टल्स। अब 14 तरीके के अरेंजमेंट हैं, तो 14 प्रकार के यूनिट सेल्स भी होंगे उनके करस्पॉन्डिंग। ये 14 प्रकार के यूनिट सेल्स को 7 वर्ग समूहों में रखा गया। द फर्स्ट इज क्यूबिक यूनिट सेल। यहां पर जो प्रिमिटिव्स होते हैं ए बी सी, तीनों का लेंथ सेम है और इंटरफेसियल एंगल अल्फा बीटा गामा ऑल आर इक्वल टू 90 डिग्री। इनके 3 पॉसिबल वेरिएशंस हैं, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड। द नेक्स्ट इज टेट्रागोनल। हियर ए एंड बी आर इक्वल इन लेंथ, हाउएवर बी इज नॉट इक्वल टू सी, लेकिन जो इंटरफेसियल एंगल्स है अल्फा बीटा गामा ऑल आर इक्वल टू 90 डिग्री। इनके 2 पॉसिबल वेरिएशंस हैं, प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड। थर्ड इज ऑर्थोरॉम्बिक। हियर नाइदर ए नाइदर बी नॉर सी आर इक्वल इन लेंथ, तीनों की लंबाई डिफरेंट है। ए इज नॉट इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी और अल्फा बीटा गामा तीनों ऑर्थोगोनल है, मतलब तीनों के बीच में 90 डिग्री है। फोर्थ इज हेक्सागोनल। फोर्थ इज हेक्सागोनल। ए और बी 2 प्रिमिटिव्स इक्वल इन लेंथ है बट बी इज नॉट इक्वल टू सी। हियर अल्फा बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, हाउएवर गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री। गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री। ध्यान देने वाली बात यहां पर है, हेक्सागोनल में ही इंटरफेसियल एंगल 120 डिग्री आता है। इसका एक वेरिएशन है प्रिमिटिव। फिफ्थ इज रोम्बोहेड्रल। इट इज ऑल्सो नोन एज ट्राइगोनल। हियर ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी और अल्फा बीटा और गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। इसका एक पॉसिबल वेरिएशन है प्रिमिटिव। सिक्स्थ इज
monoclinic. Here A is neither equal to B and B is not equal to C. और इंटरफेसियल एंगल की बात करें तो अल्फा और गामा 90 डिग्री है लेकिन बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री. मोनोक्लिनिक के दो पॉसिबल वेरिएशंस हैं, प्रिमिटिव एंड एंड सेंटर्ड. नाउ द सेवंथ एंड द लास्ट, ट्राइक्लिनिक. यह सबसे अधिक इरेगुलर अरेंजमेंट है. यहां पर न तो ए इक्वल है बी का, न बी इक्वल सी का, न अल्फा इक्वल है, न बीटा इक्वल है, न गामा इक्वल है, और न तीनों एंगल 90 डिग्री के इक्वल है. तो ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड बी इज नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा एंड बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा, एंड ऑल द एंगल्स आर नॉट इक्वल टू 90 डिग्री. इसका एक ही पॉसिबल वेरिएशन है, दैट इज प्रिमिटिव. आइए इन सभी क्रिस्टल सिस्टम को टैबुलर फॉर्म में विथ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं.